और अभी हम लोग आ गए हैं तारा चंडी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए क्या मस्त पहाड़ वादियाँ हैं। और हम लोग अभी तारा चंडी आए हुए हैं। अभी तारा चंडी में यहाँ पे माता रानी का दर्शन करेंगे। माँ का बहुत भव्य मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे माँ का दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए हम आपको मंदिर का दर्शन कराते हैं। अरे पूजा वूजा नहीं करना है ना, ऐसे ही देख के आ जाएंगे। पूजा तो करने का कोई पूजा वही तो पर ये देखिए माँ तारा चंडी का मंदिर है। ये देखिए लक्ष्मी सरस्वती द्वार। और इधर आपको यहाँ पे मिलेगा प्रसाद। ये सारा प्रसाद का दुकान है जहाँ पे प्रसाद मिलता है। इधर खिलौना वलौना भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से माँ तारा चंडी के मंदिर में अंदर जाने का रास्ता है। दोनों तरफ दुकानें सजी हुई हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत शांति प्रिय जगह है ये। ये देखिए, और ये देखिए हमारी मम्मी आ रही है उधर से। वो लोग कहाँ रह गया? और ये देखिए अभी आपको दिखाते हैं हम लोग अभी आ रहे हैं। मेरी मम्मी को थोड़ा सा पाँव में प्रॉब्लम है, तो थोड़ा मम्मी को, मम्मी अंदर नहीं जाएगी। ये देख, चलिए तुम मौसी, चलिए देख क्या चाहिए। हाँ तो चलिए घूम लीजिएगा। अंदर जूता चप्पल खोलने का जगह है ना? अंदर चप्पल? हाँ, ठंडा पानी पिएगी। अंदर जाएंगे हम लोग यहाँ पे। और ये देखिए ये लोग ना काजल लोग कुछ खरीद रही है। ए प्रसाद नहीं चढ़ाने आएंगे? प्रसाद नहीं चढ़ाना है ऊपर में? खाना पीना खाओ के तो आप प्रसाद चढ़ाने जा रही हैं ऊपर। तो ये देखिए ये भेड़ा का आवाज भी निकलता है गाड़ी में, खाली इधर निकलते हैं। ये देखिए यहाँ से प्रसाद ले रही है भाभी लोग। गड़ू प्रसाद नहीं चढ़ा तू? ये देखिए चप्पल, छोड़ दो, हम दे दे रहे, जाओ ना। हाँ ठीक है, आगे दे देंगे। और ये देखो जूता चप्पल खोलने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा हाथ धोने का, दीदी थोड़ा सा उसको दे दी, बस चलो निशा। अरे देखिए यहाँ से भी हाथ धो लीजिए। और ये रहा मंदिर का रास्ता। अगर आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से 20 रुपये, 50 रुपये, 11 रुपये जो भी प्रसाद है वो ले लेना है। यहाँ पे बहुत आवाज़ हो रहा है, तो शायद मेरी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी, तो मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। ये लोग सब प्रसाद लेके आए हुए हैं। मैडम लोग प्रसाद चढ़ाने आई थी ना, सो प्रसाद चढ़ाने आई हैं। देखिए प्रसाद लिया हुआ है, लेकिन अभी भगवान का जो दरबार है वो बंद है। माता रानी का जो दरबार है अभी बंद है, तो अभी पता नहीं अभी क्या करने वाले हैं आप लोग। अभी आप लोग क्या करेंगे? तो पूछिए कि कितना बजे खुलता है। ये भाई से पूछिए, कैमरा मैन से पूछिए, ये बता देंगे आपको कितना बजे खुलेगा। हाँ दो चार संभाल हो जाएगा आपको। तो अभी माता रानी का दरबार बंद है। आधा घंटा, 12:30 बज रहा है। तो चलो ना ऊपर चलते हैं। तो अभी मंदिर यहाँ पे बंद है। ठीक है, अभी हम लोग मंदिर बंद है और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर। ठीक है, सभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर में, ताकि थोड़ा सा अभी वेट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि 12:30 बज रहा है और मंदिर 1 बजे खुलता है, 1 बजे। सो ऑब्वियसली भगवान को थोड़ा सा रेस्ट दिया गया है। ये देखिए हमारे एक
भेड़ा भाई है, इसको हम लोग भेड़ा बोलते हैं। भेड़ा का मतलब आप लोग समझते हैं क्या? नहीं, लेकिन ये बहुत मस्त आदमी है। इधर आ बेटा, इधर आ। ये अपना बेटा है, बोल बेटा कौन है ये? ये मेरे पापा हैं। पापा हैं ये, तो मैं पापा हूँ उसका। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अभी हम लोग ऊपर ऊपर चलते हैं ना, ऊपर ऊपर चलते हैं, इधर से इधर से। सो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा बैठा जाएगा, थोड़ा देर वेट करते हैं, अगर देखते हैं तब तक मंदिर खुल जाए तो। भाभी लोग काजल प्रसाद ली है, वो लोग चढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से, कुछ नहीं कर सकते अभी। तो चलिए हम लोग ऊपर चलते हैं। ऊपर जाने का रास्ता यही वाला है ना? नहीं नहीं, ये वहाँ से बंद, इधर है इधर। सो अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर, और ये देखिए मस्त नज़ारा है यहाँ पे, बहुत भक्तजन इंतज़ार कर रहे होंगे। सो देखते हैं, एक हॉल है इधर। नहीं इधर नहीं, इधर इधर, इस तरफ, इस तरफ आइए। पाँव बहुत जल रहा है बॉस, पाँव बहुत जल रहा है भाई। टेम्परेचर जो है यहाँ का जो टेम्परेचर है वो माशाल्लाह बहुत टेम्परेचर है, पूरा एकदम जमीन जो है ना वो बहुत गर्म है। तो चलिए हम लोग ऊपर चलते हैं, और ऊपर अभी जाएंगे। ये देखिए वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा फोटोग्राफी वगैरह होगा। चारों तरफ पहाड़ का व्यू है, हम लोग तो वहाँ जाएंगे। चलिए ऊपर चलिए। चलिए ऊपर चलते हैं उधर। हाँ, और एक खास बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये एक मंदिर का ना खास बात है, ठीक है? वो क्या है मैं अभी एक सेकंड में बताता हूँ, पहले मैं कंफर्म हो जाऊँ यार, अदरवाइज। ये मस्जिद है ना, मस्जिद है ना? हाँ, तो इस मंदिर का जो सबसे खास बात है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक तरफ माँ तारा चंडी का मंदिर है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हो हमारे पीछे ये जो है ना, ये मस्जिद है। आप समझ रहे हो, ऐसा संगम आपको देखने को कहीं नहीं मिलने वाला। मतलब यहाँ पे आप देखिए, ये जो है ना, ये मस्जिद है, ये मस्जिद है, और इधर माँ तारा चंडी का मंदिर है। मतलब लाजवाब कॉम्बिनेशन बॉस, ये आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। और ये देखिए, यहाँ से आप नज़ारा देखिएगा, ये देखिए यहाँ से नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, तो नज़ारा आपको देखते बनेगा। यहाँ पे मे भी हवा की वजह से आपको हमारी आवाज़ उतना अच्छा से नहीं सुनाई दे, बट डोंट वरी, आप इसका नज़ारे का मज़ा लीजिए। अरे देखिए ये लोग इधर खड़ा है, मैं भी थोड़ा जाता हूँ इधर। कहीं उड़ ना जाए नीचे। कैसा लग रहा पहाड़? इसको लग रहा है कि झारखंड आ गए। सो ये झारखंड में ही है, बिहार में ही है। और देखिए मस्जिद है, सो लाजवाब मंदिर और मस्जिद दोनों का नजारा है। पूरा फैमिली यहीं पे है अभी, अभी हम लोग एक आधा घंटा वेट करने वाले हैं, ठीक है? आइए उठाते हैं इसको। और ये देखिए, ये है निशा, अभी ये घूमने घूमने कर रही है, खाली घूम रहा है लोग सब अभी। ये देखिए उधर चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है भाई, ये ना। लेकिन बरसात में नगर में मज़ा आता है, सब पनिया भरल रहता है पूरा ना, वो जो अंदर उन्हें जो गड्ढा है पूरा पानी भरल रहता है। सो फिलहाल तो हम लोगों को वेट करना है यहाँ पे। देखो अभी फोटोग्राफी चल रहा है। और काजल कैसा लग रहा है, थोड़ा बताइए। तो हालत खराब हो गया, एक दिन में इतनी काजल अब दिख नहीं रही है, थोड़ा उस साइड घूमने चलिए। आइए चलो इधर जाते हैं। भाई क्या गजब का धूप है भाई, बहुत भयंकर वाला धूप। रुको हमको पहले जाने दो।
लोग जाते हैं थोड़ा प्रसाद चढ़ाने। ये वाला नीचे आइए फिर देखिए कैसा गर्म है। चलिए मंदिर शायद खुल गया है माता रानी का, तो अभी हम लोग जाते हैं। इधर इधर ना, ये देखो लोग पैर जलने के चक्कर में ना उधर से जा रहे हैं, ऐसे घूम के आएगा लोग। बहुत पैर जल रहा है भाई, आप देख सकते हो उधर, मतलब पांव चल के पूरा हालत खराब है। आइए चलते हैं माता रानी के मंदिर में जहाँ पे प्रसाद चढ़ने वाला है। आप ये देखो ये सब जो नाम आप देख रहे हैं ना, ये सारा नाम लोगों का है जिन्होंने इस मंदिर को बनाने में अपना योगदान दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए वो आ रही है। आ जाओ आ जाओ, और ये भाई लोग का देखिए। चलिए इधर आते हैं, थोड़ा इधर देखते हैं। ये देखिए ये सारे लोगों का नाम लिया हुआ है जिन लोगों ने यहाँ पे अपना अपना योगदान दिया है। और ये देखिए यहाँ पे राम राम सीता हनुमान लक्ष्मण जी सारे विराजमान हैं। चलिए अभी हम लोग चलते हैं नीचे की ओर। यहाँ पे कंटिन्यूअस फोटोग्राफी चल रहा है, कंटिन्यूअस फोटोग्राफर धीरज कंटिन्यूअस फोटोग्राफी हो रहा है अभी। ये देखिए अभी देखिए एक तो नया फोटोग्राफर आया है, देखो ये वाला हमेशा एडजस्ट करते रहना, हर वक्त चेंज होता है। ये है लाइन, अरे देखिए कोरोना की वजह से यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है। ये लाइन बहुत लंबा लगता है जब यहाँ पे कुछ वैसा फेस्टिवल होता है जब माता रानी का, तो यहाँ पे बहुत भयंकर लाइन लगने वाला होता है, इसलिए ये पूरा लाइन का व्यवस्था किया हुआ है। यहाँ पे जो मार्किंग देख रहे हैं अभी, ये कोरोना वाला मार्किंग किया हुआ है। ये बहुत ये कब यहाँ पे भीड़ लगता है पापा? सावन और नवरात्रि के महीने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तो इसके लिए लाइन का पूरा व्यवस्था, देख लो पंखा उनका सब लगाया हुआ है, लाइन लगना पड़ता है। वो देखिए, अरे भाई आपको एक चीज़ दिखाना तो मैं भूल ही गया, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जब यहाँ पे सावन और नवरात्रि का मेला होता है, जब सावन का त्यौहार आता है, मतलब सावन का जब महीना आता है नवरात्रि का, आप देखो ये जो आप देख रहे हो ना, आप गेस नहीं कर सकते ये क्या है। सो ये बेसिकली ये पूरा लाइन लगने का है, एकदम ऐसे आपको ऐसे ऐसे लाइन लग के ऐसे घूम के लोग आते हैं और तब यहाँ होते हुए लोग माता रानी के मंदिर में जाते हैं। तो दोस्तों ये मंदिर आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये मंदिर कैसा है। ये बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ पे। सो ये मंदिर आपको कैसा लगा, और इस मंदिर की से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल होता है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और बताइएगा भी कि ये मंदिर आपको कैसा लगा। ये देखिए यहाँ पर हनुमान जी का भी मंदिर है, देखिए हनुमान जी का मंदिर है, ये भी सीढ़ी है, सब लाइन लगने का ही है ना। यहाँ से आगे से भी है ये। हाँ चलो आगे से भी है। तो दोस्तों ये मंदिर आपको कैसा लगा, इस ये मंदिर की जो खास चीज़ थी वो भी मैंने आपको दिखाया, तो ये कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने विचार शेयर कीजिए हमारे साथ, ताकि हम आगे आपके लिए और भी वीडियो लेकर आएँ ऐसे खास जगहों का जहाँ पर आप घूमने आ सकते हैं, जहाँ पे घुमा जा सकता है ना। तो चलिए अभी देखिए मंदिर खुल गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये मंदिर यहाँ पे खुल गया है, तो अभी यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाएगा। ये देखो ये लोग जा रहे हैं प्रसाद चढ़ाने, हम लोग जाए जाओ जाओ जाओ। यहाँ पर माता रानी का दरबार लगा हुआ है,
वहाँ पे खड़ा है, अंदर पूजा स्टार्ट हो गया है। लेकिन भक्त जन अभी उतना ज्यादा तो यहाँ पे भीड़ नहीं है। पूजा कर रहा हूँ देखिए, लोग अभी पूजा करके बाहर आ रहे हैं। हो गया पूजा, हो गया, चलिए जय माँ। नारियल का बोल रहे हैं, हाँ फोड़ते हैं, पूछो ना कहाँ नारियल फूटता बता देंगे, वही तो वहाँ नारियल फोड़ने का जगह है। चलिए आइए, आ जाओ यहाँ पे। धीरज यहाँ पे नारियल फोड़ने का जगह है। चलो दिखाते हैं हम आपको, नारियल फोड़ रहा है धीरज। हाँ कहीं भी फोड़ो ना, कोई चलेगा। ये तुम्हें ताकत लगाने का जरूरत नहीं है। और ये देखिए माता रानी का नारियल यहाँ पर गया, ये स्पेशली नारियल फोड़ने का जगह बनाया हुआ है। तो धीरज ने यह नारियल फोड़ दिया है अभी पहलवानी से। चलो गया, बस और कुछ नहीं करना यहाँ। चलिए हाँ पानी आइए। और अभी यहाँ पे पूजा अर्चना समाप्त हो चुका है हमारा, और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अभी उतना ज़्यादा कुछ खास भीड़ है नहीं यहाँ पे, कुछ खास भीड़ नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे जो भीड़ होता है वो बेसिकली सावन के महीने में और नवरात्रि में होता है। तो अभी तो वो दोनों ही नहीं है, तो अभी ऐसे ही लोग दर्शन करने आते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे उतना भीड़ नहीं है। आप देख सकते हो दोनों साइड में दुकान लगी हुई है, देखिए सब पूजा का दुकान है, सारा पूजा यहाँ पे आप पूजा का सामान खरीद सकते हैं यहाँ से। सो अभी हमारा हो गया काम कंप्लीट, यहाँ से सीधा निकलेंगे घर को, है ना, सीधा घर के लिए निकलेंगे। बहुत टाइम हो गया भाई, हम लोग सुबह 3 बजे उठे हैं और अभी 1 बज रहा है। और हमारा आज का हो गया सफ़र समाप्त। काजल बोलो अपने ऑडियंस को कुछ बताओ यार, नहीं तुम गुस्सा हो जाएगा तुम्हारा ऑडियंस। डिज़ाइनर कपल पहचान में नहीं आ रही होगी काजल, अभी साड़ी वाड़ी में दिख रही होगी आपको। बोलो अपने ऑडियंस को, बोलो शेयर करेंगे हमारी वीडियोस को थोड़ा। ओके तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे जरूर से लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इसी तरह के और भी बहुत सारे वीडियो देखने के लिए जरूर से सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। तो आज का फाइनली हमारा टूर खत्म ना, सो अभी हम लोग घर जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से घर जा रहे हैं, हमारी गाड़ी आ रही है और वो हमारा बहुत धूप है भाई, बहुत धूप है, बिहार का गर्मी मतलब सॉलिड वाला गर्मी है। सो हम लोग अभी देखिए हमारा गाड़ी आ चुका है वहाँ पे, देखिए गाड़ी आ रहा है हम लोगों का ऑटो है। ऐसे बोल रहे जैसे कि हाँ, तो अपना अपना घर का गाड़ी है ना भाई।